सब्सक्राइब गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल सरअुल सत्तार खान इंग्लिश ग्रामर चेंज द वॉइस एस सी आर टी क्वेश्चन बैंक पार्ट वन हम इसे पहले पढ़ेंगे समझेंगे और उसके बाद कुछ बोर्ड के एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे चेंज द वॉइस ये इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही अहम पार्ट है स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस में असर्टिव सेंटेंस में जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है स्टेटमेंट में सबसे पहले लिखते हैं आप सब्जेक्ट उसके बाद लिखते हैं वर्ब और उसके बाद लिखते हैं ऑब्जेक्ट अगर इसको हम पैसिव वाइज में चेंज करेंगे तो सबसे पहले आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा यानी ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब उसके बाद में आप वर्ब लिखेंगे ये वो भी पास्ट पार्टिसिपल में यानी वी थ्री में और उसके बाद में लिखेंगे सब्जेक्ट जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स है ही राइट्स अ लेटर तो इसमें ही जो है सब्जेक्ट है राइट्स जो है वर्ब है और आ लेटर जो है वह ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा आ लेटर इज रिटन बाय हिम उसके बाद है आई रोट अ पोएम तो इसमें आई जो है वो सब्जेक्ट है और आ पोएम ऑब्जेक्ट है रोट वर्ब है तो आ पोएम वॉज रिटन बाय मी उसके बाद है सेकेंड शी विल प्ले क्रिकेट क्रिकेट विल बी प्लेड बाय हर आप याद रखिए इसमें हर बार वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होगा क्योंकि हम पैसीवाइज बना रहे हैं दे हैव स्पोकन इंग्लिश इंग्लिश हैज़ बीन स्पोकन बाय हिम दे था इसलिए हैव इस्तेमाल किया इंग्लिश है सिंगुलर है इसलिए हैज़ है है इस्तेमाल किया और उसके साथ में बीन लगेगा और स्पोकन वी थ्री है वर्ब का थर्ड फॉर्म है बाय और दे का हो जाएगा देम देखिए इसमें हमने से पहले पर्सनल प्रोनाउन का टेबल ऑफ केस पढ़ा था जिसमें मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट जो जब ऑब्जेक्ट में चला जाएगा तो वो जब ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा सब्जेक्ट तो जैसे कि ही है तो वो हिम हो जाएगा आई है तो मी हो जाएगा शी है तो हर और दे है तो देम हो जाएगा कुछ रूल्स पढ़ते हैं समझते हैं एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज बनाने के लिए

अगर सब्जेक्ट डूअर ऑफ एक्शन नहीं है बल्कि वो रिसीवर ऑफ़ एक्शन है यानी ऑब्जेक्ट से एक्शन सब्जेक्ट की तरफ आएगा तो ये सेंटेंस पैसिवाइज होगा अब एक एग्जांपल लेते हैं द फार्मर्स पिक द कॉटन अब ये एक्टिवाइज का सेंटेंस है एक्टिवाइज में द एक्शन ऑफ पिकिंग पासिस फ्राम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट यानी फार्मर्स ने कॉटन को पिक किया द काटन वॉज पिक्ड बाय द फार्मर्स अब यहाँ पर कॉटन जो है यह ऑब्जेक्ट था तो उसे वो फार्मर्स की तरफ एक्शन ट्रांसफॉर्म हो रहा है तो ये पैसिवाइज है द एक्शन ऑफ पिकिंग इज डन टू द सब्जेक्ट द काटन बाय द फार्मर्स द एक्टिवाइज इज़ यूज वेन द डूअर ऑफ द एक्शन मस्ट बी मैं पैसीवाइज इज़ यूज वैन द डोर वैन यू डू नॉट टू गिव इम्पोर्टेंस टू द डोअर ऑफ द एक्शन

पैसिव वॉइस में जो डूअर ऑफ एक्शन को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता सिर्फ उसे मेंशन किया जाता है समझने के लिए और पैसिव वॉइस के जो सेंटेंसेस होते हैं इसमें टेक्निकल या फैक्चुअल राइटिंग के लिए राइटर इम्पर्सनल हो जाता है ऑब्जेक्टिव हो जाता है तब उसका यूज़ करते हैं चेंज ऑफ वॉइस विथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट यानी पहला वाला जो पार्ट था वो स्टेटमेंट पार्ट था अब उसे हम चेंज आ चेंज द वॉइस को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में सेंटेंस स्टेटमेंट्स में या असर्टिव सेंटेंस में कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे उसे देखेंगे समटाइम्स अ सेंटेंस हैज़ टू ऑब्जेक्ट द डूअर आर द डायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इट इज़ ईजी टू मेक द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस सेंटेंस द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैन बी मेड द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस सेंटेंस ओनली इफ इट इज़ अ थिंग और एन आइडिया यानी चेंज द वॉइस में दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकते हैं अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो उसे आपको पैसिव वॉइस में आपको सब्जेक्ट बनाने या सामने लाने या ऑब्जेक्ट को सामने लाकर इस्तेमाल करने में आसानी होती है लेकिन रिमेंबर डैट द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज़ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट डेट फॉलोज द वर्ब द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द इज़ द सेकेंड व ऑब्जेक्ट द गर्ल एंड हर मदर अ गिफ्ट अभी देखिए इसमें दो ऑब्जेक्ट में जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो वर्ब के साथ हो जाए साथ होता है वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करता है और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो सेकंड ऑब्जेक्ट होता है इसमें एग्जांपल है हर मदर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और अ लेटर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो इसमें क्या किया हमने जो हर uh, मदर था यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था उसको हमने क्या किया उसको पहले ला लिया द मदर सेंट अ गिफ्ट बाय द गर्ल इस तरीके से हमने इसका, इसका इस्तेमाल किया द मदर वॉज सेंट अ गिफ्ट बाय द गर्ल पैसी वाइज विथ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट अ गिफ्ट वॉज सेंट टू द मदर बाय द गर्ल ये पैसी वाइज विथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी एज़ अ सब्जेक्ट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं दोनों टाइप के आप सेंटेंस बना सकते हैं the sentence 1 and 2 above express the same meaning however in example 1 the form of the verb shows that the subject did something or is the doer in example 2 the form of the verb shows that something is done by the subject or the subject is uh, the receiver of the action when the subject in the sentence is doer of the action the verb is said to be the active voice here the subject doer plays an active role अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ें बयान की गई है फर्स्ट एग्जांपल और टू एग्जांपल में फर्स्ट एग्जाम्पल में वर्ब जो है वो सब्जेक्ट कुछ काम कर रहा है वो बता रहा है डूअर के साथ में सेकेंड एग्जांपल में वर्ब बताता है कि सब्जेक्ट या सब्जेक्ट uh, जो है ये रिसीवर ऑफ एक्शन है लेकिन जब सब्जेक्ट जो है वो सेंटेंस का डूअर ऑफ एक्शन के साथ होता है तो वो एक्टिव वॉइस को इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं यानी सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में डूअर ऑफ एक्शन होता है और वो एक एक्टिव रोल प्ले करता है व्हेन द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस इज़ द रिसीवर ऑफ द एक्शन द वर्ब इज सेट टू बी इन द पैसिव वॉइस ये सब्जेक्ट रिसीवर प्लेज प्लेज अ पैसिव रोल एज सब्जेक्ट डूअर डज नॉट प्ले एन एक्टिव रोल इन द पैसिव वॉइस इफ़ इट इज़ ऑफन ओमिटेड आई टेक केयर ऑफ माई बिलोंगिंग्स ये एक्टिवाइस में है अब यहाँ पर देखिए माई बिलोंगिंग्स आर टेकन केयर ऑफ़ या फिर बाई मी ये पैसिवाइज में बनता है रूल्स टू बी ऑब्जर्व वाइल चेंजिंग अ सेंटेंस फ्राम एक्टिव टू पैसि अब इसमें कुछ रूल्स होते हैं द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिवाइस इज बिकम द सब्जेक्ट इन द पैसि यानी ऑब्जेक्ट जो है वो एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है द सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस बिकम्स द ऑब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस यानी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है द पैसिव वॉइस यूजुअली हैज़ दीपो प्रीपोजिशनल फ्रेज बाय प्लस डूअर एट द एंड यानी प्री पोजिशनल फ्रेज हमेशा बाय लगता है और उसके बाद में डूअर यानी सब्जेक्ट का नाम आता है द हंटर shot द deer. द deer वॉज shot बाय द हंटर यानी बाय द हंटर इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे वेरी ऑफन द ऑब्जेक्ट कैन बी ओमिटेड इन द passive voice कंस्ट्रक्शन कई मरतबा ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो पैसीवाइज में ओमिट कर देते हैं जैसे कि यू एस्टोनिश अस तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पर अस जो है ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा वी आर astonished. तो इस तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे पैसीवाइज में द सेम टेंस इज मेंटेन इन द पेसि फॉलोड बाई द पास्ट पार्टिसिपल फ्रॉम द वर्ब यानी एस्टोनिश जो है वो एस्टॉनिस्ड हो गया पास्ट पार्टिसिपल हो गया अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जैसे कि सिंपल प्रजेंट टेंस में है एक्टिव वाइस में ऑल साइंटिस्ट नो नो दिस फैक्ट अब इसमें सब्जेक्ट प्लस एम इज़ आर ये हेल्पिंग वर्ब लगेगा प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी दिस फैक्ट इज़ नोन टू ऑल साइंटिस्ट उसके बाद शी राइट्स पोएम पोएम्स आर रिटन बाय हर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में देखते हैं शी इज टीचिंग अस इंग्लिश यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस बींग प्लस पास्ट पार्टिसिपल इंग्लिश इज बींग टू अस बाय हर द बॉयज आर कटिंग द ग्रास इन द लॉन द ग्रास इज इन द लॉन इज बींग कट बाय द बॉयज अब देखिए कट जो है ये कट 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 फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म तीनों में कट ही यूज़ होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखेंगे आई हैव रिटन अ बुक सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल अब देखिए इसमें जो अ बुक है वो ऑब्जेक्ट था तो उसे हमने सामने ला लिया अ बुक हैव है का हो जाएगा हैज़ बीन क्योंकि अ बुक सिंगुलर है इसलिए हैज़ इस इस्तेमाल कर रहे हैं हैज़ बी रिटर्न बाई मी आई का मी हो जाएगा वी हैव इलेक्टेड हर मोनिटर ऑफ आवर क्लास अब ये वी हैव इलेक्टेड हर का हो जाएगा शी हैव का हो जाएगा सिंगुलर इसलिएज़ बीन इलेक्टेड ऑलरेडी थर्ड फार्म सेकेंड फार्म एक तरीके से होता है तो एलेक्टेड मोनीटर ऑफ आवर क्लास तो ये ऑफ आवर क्लास जैसे का वैसा हम इस्तेमाल करेंगे सिंपल पास टेंस है आई रोट अ लेटर अ लेटर वॉज़ रिटन बाय मी सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस पास पार्टिसिपल आई रोट अ लेटर अ लेटर वॉज रिटन बाय मी पीपल हर्ड अ वॉइस क्राइंग पिटियसली अभी देखिए यहाँ पर अ वॉइस सामने आ गया और हर्ड जो है ये सेकेंड फॉर्म में था वी टू था तो यहाँ पर हमने वॉज हर्ड कर दिया वॉज़ हर्ड क्राइंग पिटियसली बाय अब देखिए ये यहाँ पर क्राइंग जो है ये क्राइंग पीटीएसली लिए ऑब्जेक्ट है या फिर सेकेंडरी ऑब्जेक्ट के तौर पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर आप इस्तेमाल कर कर सकते हैं हर्ड सेकेंड और थर्ड फॉर्म दोनों में एक जैसा रहेगा पास कंटीन्यूस टेंस है मदर वॉज कुकिंग अ नाइस मील अब देखिए यहाँ पर पैक्सी वाइस में रहेगा सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस बींग प्लस पास पार्टिसिपल अ नाइस मील वॉज बींग कुड बाय मदर

और शल जो आई के साथ आया था बाकी सब के आई और वी के साथ शल यूज़ करते हैं हमने इससे पहले टेंसेस में पढ़ा था वैसा ही पैसी वाइज में हमने जब चेंज करेंगे दिस विल नॉट बी टॉलरेटेड बाय मी द स्कूल विल प्रोवाइड ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन विल बी प्रोवाइडेड बाय द स्कूल कुछ बोर्ड के सॉर्ट एग्जाम्पल्स हैं यानी एस एस सी एच एस सी बोर्ड के पेपर में आते हैं I was overwhelmed by the emotion. Ye, first an encounter of a special kind. Isme se sentence. I was overwhelmed by the emotion. The emotion, the emotion overwhelmed me. He already passive voice humne voice hai. He swept the steps. The steps were swept by him. He is making many epoch making statements. Many epoch making statements are being made by him. अब देखिए is making जो है ये he के साथ में is था singular था अब ये statements plural है इसलिए यहाँ पर are इस्तेमाल किया गया है और making था तो इसीलिए being made कर दिया है by him he का him होता है That scene forced me to look at my own life. अब देखिए मी का यहाँ पर आई हो जाएगा फोर्स जो है ये वी टू है यानी सिंपल पास टेंस है तो आई वॉज फोर्स टू लुक एट माई ओन लाइफ बाय डैट सीन आई फाइंड हैप्पीनेस इन एवरी स्मॉल थिंग इन एवरी सिचुएशन एंड इन एवरी पर्सन लेट्स मार्क्स से लिए गया आ, सेंटेंस है अब यहाँ पर आई फाइंड फाइंड हैप्पीनेस तो हैप्पीनेस जो ये ऑब्जेक्ट है तो इसे आपने हैप्पीनेस पहले लेना है हैप्पीनेस इज फाउंड इन एवरी स्मॉल थिंग इन एवरी सिचुएशन एंड इन एवरी एवरी पर्सन बाय मी आएगा हो जाएगा मी ही वॉज किडनेप बाय एन एक्सट्रीमिस्ट मिलिशिया एन एक्सट्रीमिस्ट मिलिशिया किडनैप्ड हिम ये देखिए पहला जो था ये अपेसिवाइज था इसे हमने एक्टिवाइज बनाया है ही वॉज़ फोर्स टू किल हिज फ्रेंड्स एंड फैमिली ही वॉज फोर्ड टू किल ये भी पैसिवाइज था इसे हम नेगेटिव बनाया है दे फोस्ड हिम टू किल हीज़ फ्रेंड्स एंड फैमिली ऑल द ग्रेट रिलीजियंस टीचर्स टू केयर फॉर आर चिल्ड्रेन वी आर टॉट टू केयर फॉर आर चिल्ड्रेन बाई ऑल द ग्रेट रिलीजियंस आई हैव हेल्ड दैर इंजर्ड बॉडीज दे दर इंजर्ड बॉडीज हैल्ड बाय मी उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा اگله ویډیو موږ دوباره ملاقات হغې خدا